दोस्तों इन्फिनिक्स 05Z 2003 टर्बो एडिशन को लॉन्च किया है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि पहले के मुकाबले इस स्मार्टफोन में काफ़ी कुछ अपग्रेडेशन नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले इसमें जो सबसे पावरफुल का चीज़ है चिपसेट है, और उसके बाद का यहाँ पे डिस्प्ले, और जो मेन मेन चीज़ें देखी जा रही है 2023 में काफ़ी कुछ अपग्रेड कर दिया है इस टर्बो में। तो लेट्स सी, देखते हैं इसमें क्या कुछ अपग्रेडेशन है जिसमें आपको ये स्मार्टफोन बजट स्मार्टफोन तो नहीं कहेंगे, फ्लैगशिप स्मार्टफोन के होने के नाते ये काफ़ी कुछ ज़्यादा अपग्रेडेशन है, उसी हिसाब से प्राइस भी रखी गई है। चलिए हम वन बाय वन करके देखते हैं इसमें क्या कुछ अपग्रेडेशन है ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अगर बात करें डिस्प्ले को लेकर, तो डिस्प्ले में जो चीज़ दे रखा है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, जहाँ पे 6.78 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे वेरिएंट की अगर हम बात करें तो वेरिएंट आपको दो वेरिएंट में दे रखे हैं, जो कि काफ़ी कुछ ज़्यादा अपग्रेडेशन है। हालांकि अगर हम इस फोन में XOS स्क्रीन के साथ एंड्रॉयड 12 पर भी है, जो कि दोनों रियर ट्रिपर कैमरे का सेटअप, इनकी बैटरी और चार्जिंग स्पेक्स की बात करें तो इसमें चिपसेट का अंतर भी हो जाता है। अब यहाँ पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 5G SoC दिया गया है। इन्फिनिक्स 05B 23 टर्बो मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 5G SoC के साथ 8GB रैम तक 5GB तक एक्सटेंड किया जा सकता है। कैमरे डिपार्टमेंट में नज़र डालें तो डिवाइसेस को 50MP का मेन कैमरा है, जो कि ट्रिपल रियल लेंस सेटअप के साथ है। सेकेंडरी कैमरा 2MP का और तीसरा कैमरा 2MP का है। सेल्फी के लिए 16MP का फ्रंट स्नैपर है, जिसके साथ डुअल फ्रंट फ्लैश भी दिया गया है। कैमरे में सुपर नाइट मोड है, जिसमें कम रोशनी में बेहतर तस्वीर आपको खींचे जाने की क्वालिटी देता है। अब यहाँ पर जो स्टोरेज है, जैसे बताया कि 256GB का स्टोरेज है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डिवाइस में वाईफाई 5G ब्लूटूथ GPS सारी चीज़ें में दे रखे हैं। 5000mAh की बैटरी के साथ है और 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दे रखा है। इसमें अगर हम प्राइस को लेकर बात करें तो ये आपको पुराने फोन से जो है उसमें 2000 रुपये का थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, जो कि 20000 रुपये के आसपास में इसका प्राइस रखी गई है। इसमें आप जाके फ्लिपकार्ट पे देख सकते हैं, जो कि 11 फरवरी से लाइव के लिए शुरू हो जाएगा, और अमेजन पे देख सकते हैं वहाँ पे लाइव है, वो शुरू हो जाएंगे 11 फरवरी से दोनों सेल हुए। हालांकि अभी फिलहाल लॉन्च हुआ है, 19999 रुपये प्राइस है। आप कुछ डिस्काउंट है जो फ़ोन एक्सचेंजेबल में भी आ रहा है, 2000 रुपये दे के आपको माइनस होता है। फिर कोई अगर आपको का क्रेडिट कार्ड है डेबिट कार्ड है तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, 1000 रुपये का डिस्काउंट जरूर इसका लेंगे। फिलहाल दोस्तों वीडियो ये तक के लिए, वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक करना शेयर करना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।